नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी चर्चा करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सेक्टर के ऊपर हम सब जानते हैं कि जब से कोविड महामारी आई है पिछले साल पहला वेव वेव था इस साल दूसरा आया है दूसरा वेव बड़ा ही भीषण है तो इसने नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब किया है इज इट हम लोग जानते हैं कि इंडियन इकोनमी पे एडवर्स इंपैक्ट डाला है डे टू डे लाइफ के ऊपर इंपैक्ट हुआ है इनफैक्ट इनफैक्ट कुछ महीनों पहले इंडियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्रम्बल्ड अंडर द सेकंड वेव लेकिन एजुकेशन सेक्टर के ऊपर भी एक भारी इंपैक्ट आया है तो आज हम लोग कोविड नाइनटीन और एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बात करेंगे एक सवाल का जवाब देंगे हाउ कैन वी अवॉइड लूजिंग अनदर एकेडमिक ईयर टू दैंडेमिक तो ये बहुत ही जरूरी डिस्कशन होगा स्पेशली अगर अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो अब आप सोच रहे होंगे सर वाई आर यू स्ट्रेसिंग सो मच दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए आपके

डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सो यू आर दीसी और द डीएम इन योर डिस्ट्रिक्टेल मी योर प्लान टू अवॉइड लूजिंग अनदर ईयर एकेडमिक टू इमिक तो आप मुझे बताइए आप क्या क्या स्टेप लोगे जिससे कि आप ये एकेडमिक ईयर फिर से लूज नहीं करोगे स्टूडेंट्स को कैसे मदद करोगे और स्पेसिफिकली ये डिस्कशन होगा फ्रॉम स्कूल पर्सपेक्टिव यानी कि फर्स्ट टू ट्वेल्थ की हम लोग बात करेंगे किस तरह हम लोग स्कूल्स को धीरे धीरे रीओपन कर सकते हैं तो आप सोचिएगा स्ट्रक्चर योर पॉइंट स्ट्रक्चर योर आइडियाज इन दैट टाइम लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ माई नेम इज राहुल साइगोंकर एंड इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी यू कैन फॉलो मी ऑन दी आट द रेट राहुल अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास स्मार्ट कोर्स बना हुआ है फिल्म मीन एस ए करंट अफेयर्स काफी कॉम्प्रहेंसिव कंटेंट है जस्ट विजिट द डिटेल्स एट आर गिवन हियर सो दैट यू कैन गो थ्रू द कोर्स एंड अवेल वी हैव इजी ई एम आई ऑप्शन अवेलेबल राइट चलिए बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सेक्टर के बारे में पहले और फिर इस केस स्टडी के बारे में क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा देखिए वी ऑल नो ऑब्जर्वेशन एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जिसको हम लोग शॉर्ट में एसर के नाम से जानते हैं एसर इसको देता है एक ऑर्गेनाइजेशन है इट इज कॉल्ड एज प्रथम ये जो प्रथम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया के एजुकेशन स्टेटस के बारे में स्टडी करके काफी ज्यादा एक्सटेंसिव रिपोर्ट देता है इंडियन एजुकेशन के बारे में आप देख सकते हो जनवरी दो की यह खबर है एसर ने फ्लैग किया था पुअर लर्निंग आउटकम्स इन इंडियन स्कूल्स स्पेसिफिकली गवर्नमेंट स्कूल ऑब्वियसली राइट अब यहां पे अगर हम लोग बात करें इन जनरल इंडियन स्टूडेंट्स को हाउस होल्ड सर्वे करके एसर में क्या बताया गया कि जो पांचवी छठी कक्षा के जो स्टूडेंट हैं विद्यार्थी हैं वो दूसरी तीसरी कक्षा के इंग्लिश और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन in right? एक दूसरी चीज फिर से एसर ने बताई थी क्या अब यह खबर है अक्टूबर 2020 की यानी कि पिछले साल पहला वेव जो हो चुका था पैंडेमिक के बाद की बात है क्योंकि कोविड 19 का पैंडेमिक आया तो एवरीबडी शिफ्टेड टू ऑनलाइन एजुकेशन राइट सब लोग ऑनलाइन की बातें करने लगे ऑनलाइन क्लासेस की बात करने तो एसर ने एक रिपोर्ट रिलीज की जहां पे उन्होंने बताया कि वन इन टेन रूरल हाउस होल्ड गॉट अ फोन टू बैक चाइल्ड स्टडी यानी कि अगर हम लोग दस विद्यार्थियों के लिए उसमें से केवल एक विद्यार्थी के पास एक फोन है ताकि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सके या फिर लॉकडाउन के दौरान स्टडी कर सके ये कहा था एसर रिपोर्ट ने वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेटा इज इट अब इन सब से हमें क्या पता चलता है देखिए एक तो इंडिया में लर्निंग आउटकम्स काफी पुअर है दूसरा इंडिया में बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है यानी कि इन है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया दे डू नॉट हैव दी एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन अब इन सब के बीच हमारे स्कूल्स बंद है ड्यू टू कोरोना वायरस अब इसका दुष्परिणाम किस पे होगा इंडियन एजुकेशन सेक्टर पे अल्टीमेटली ऑन इंडियन स्टूडेंट्स अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर ये आप क्या बातें कर रहे हो देखिए कोविड का पैंडेमिक चल रहा है कोविड ने पूरे देश को डिस्टर्ब कर रखा है एंटायर सिस्टम इज कमलिंग डाउन यहां पे जान पे बात आ गई है और आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं सबसे पहली चीज लेट मी पुट अ नोट हियर यू आर एबसोल्यूटली राइट अब इसीलिए सरकार भी इट इज राइटली फोकसिंग ऑन लाइफ एंड लाइवलीहुड राइट यही कह रहे हैं कि जान है तो जहान है लेकिन देखिए पहला वेव आ चुका पहला वेव का पीक जब चला गया तो उसके बाद धीरे धीरे से क्लासेस जरूर ओपन हुए थे अब दूसरा वेव आ चुका है दूसरा वेव धीरे से हम लोग कह सकते हैं कि, कि ग्राफ इज गोइंग डाउन सो यस वी नीड टू फोकस ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार कर रही है लेकिन एजुकेशन सेक्टर के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी बहुत बड़ी रिपोर्क हो सकती है आने वाले जनरेशन पे देखिए ये जो दो साल जो मिस हो रहे हैं एजुकेशन के इसकी वजह से वी आर गोइंग टू लूज ह्यूज ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड इन कमिंग ईयर दैट इज वाई वी नीड टू फोकस ऑन एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो इट इज इंपेरेटिव दैट द गवर्नमेंट प्लान कैसे हम लोग धीरे धीरे इंडिया के स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं स्लोली और स्टडीली ऑब्वियसली पैंडेमिक के बीच में ही आ, सेफली हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करनी है और यही चीज आपको भी बतानी है क्या करें देखिए कुछ स्टेप्स बताता हूं मैं व्हाट कैन वी डू राइट अगेन दिस इज नॉट अ बेस्ट सोल्यूशन दिस इज जस्ट सजेस्टिव डिस्कशन ताकि कुछ आइडियाज निकले पहली चीज है कि जितने भी टीचर्स हैं उन्हें वैक्सीनेट करें ऑन प्रायोरिटी ताकि ड्यूटी पे आ जाए राइट वैक्सीनेशन ऑफ टीचर्स वेरी सिमिलर टू हाउ फ्रंटलाइन वर्कर्स डन वैक्सीनेट दीज टीचर्स ऑल्सो एंड एज ऑफ नाउ प्रोबेबली इन द अपकमिंग मंथ जुलाई ऑगस्ट कैन ओपन दी क्लासेस फॉर लेवंथ एंड ट्वेल्थ अब इलेवेंथ ट्वेल्थ की मैं क्यों बात कर रहा हूं देखिए इलेवन ट्वेल्थ

फिफ्टी परसेंट स्ट्रेंथ के साथ क्लास चलाना है यानी कि अगर देखिए क्लास में अगर सौ बच्चे हैं तो केवल पचास बच्चों का क्लास चलेगा एक टाइम पे देखिए ग्यारहवीं और बारहवीं का यानी कि अगर सौ सौ बच्चे हैं ग्यारहवीं में और सौ बच्चे हैं बारहवीं में तो पचास बच्चे पहले पंद्रह दिन आएंगे ग्यारहवीं के सुबह यानी कि मॉर्निंग सेशन में बारहवीं के आफ्टरनून सेशन तो ये मॉडल चलेगा दो सेशन में चलेगा क्लास फिफ्टी परसेंट स्ट्रेंथ के साथ अब यहां पे जो स्टूडेंट्स आएंगे उन्हें वैक्सीनेट भी करेंगे हम जल्दी से ताकि वैक्सीनेशन ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो हैपन्स अब जो अगला पंद्रह दिन रहेगा उन पंद्रह दिन में जो दूसरे पचास प्रतिशत बच्चे हैं, हैं, so के जो 50 बच्चे इन जनरल संक्रमण हो गया का, 15 automatically, automatically class, 15 दिन क्लास रहेंगे नहीं तो पंद्रह दिन अगर संक्रमण हो गया तो वी कैन ब्रेक द चेन दैट्स द बेसिक आइडिया राइट अगेन केयरफुलनेस एंड सैनिटाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ऑल टाइम्स उसके अलावा स्टेप स्टेप क्या होगा होगी हमारी असेसमेंट की जिनके एग्जाम चलने वाले हैं ग्यारहवीं और बारहवीं के तो इनके एग्जाम को लेकर भी हमें प्लान करना पड़ेगा सबसे पहली चीज है कि एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा ट्विक करेंगे कैसे केवल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे एग्जाम लेंगे प्रोबेबली पीसीएम बी या फिर कुछ और सब्जेक्ट जो भी एक्सटेंसिवली इंपॉर्टेंट है हम लोग उनकी उनकी केवल एग्जाम लेंगे उस एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा सा बदलेंगे तीन घंटे की नहीं बड़ी एग्जाम नहीं होगी छोटी दो घंटे की या फिर डेढ़ घंटे की एग्जाम होगी और डेढ़ घंटे की एग्जाम स्लॉट्स में होगी राइट स्लॉट्स में देखिए क्वेश्चन पेपर लीकेज का प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ज्यादा आता है तो इनविजुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है तो वी कैन इनविजिलेट यूजिंग डिसेंट टीचर्स डीसेंट इनफ स्ट्रेंथ इफ यू हैव मल्टीपल सेशंस यानी कि समझिए सुबह आठ बजे भी एग्जाम शुरू करेंगे सुबह आठ से दस एक स्लॉट खत्म हो जाएगा एक घंटे का ब्रेक एक घंटा फॉर सैनिटेशन फिर हम लोग 11 से एक बजे तक का हम लोग सेशन रख सकते हैं दूसरी एग्जाम फिर एक घंटे का सेशन, फिर बजे से चार बजे तक का एक और स्लॉट so, तीन स्लॉट में हम लोग एग्जाम लेंगे और कम सब्जेक्ट्स पे एग्जाम लेंगे तो वी कैन गेज और इसके साथ ही साथ हम लोग वेटेज भी कम कर सकते हैं फिफ्टी वेटेज फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम शुरुआती दौर पर हम लोग ये कर सकते हैं देखिए ग्यारवीं बारहवीं की क्यों बात हो रही है क्योंकि टू लार्ज एक्सटेंट वी एक्सपेक्ट देम टू मेंटेन दैट सोशल डिस्टेंसिंग लेकिन अब जब हम लोग बात करें प्राइमरी मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स की यहां पे बहुत ज्यादा खतरा होगा बिकॉज इफ द कोविड नाइनटीन इज स्प्रेड इन टू दी स्टूडेंट चिल्ड्रन देन दे बिकम कैरियर्स बहुत ही ज्यादा कैरियर्स बन जाएंगे और ज्यादा स्प्रेड हो सकता है तो यहां पे काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है इनफैक्ट प्राइमरी मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स के लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले कि उनकी फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाए स्पेशली रूरल एरियाज में क्योंकि रूरल एरिया में देखिए ऑनलाइन कोचिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग या फिर डिजिटल uh, डिवाइड जो इंडिया में लोग कहते हैं कि रूरल एरियाज में किसी के पास फोन अवेलेबल नहीं है कहीं पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है कहीं पावर अवेलेबल है तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रहे साथ ही साथ अगर हम लोग इन स्कूल्स की बात करें यहाँ पे देखिए हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम चलता है मिड डे मील स्कीम यानी कि बच्चों को एक डबल वैमी हो रहा है एक डबल डिसएडवांटेज पहले तो एजुकेशन नहीं हो रहा है अब दूसरी चीज ये हो रही है कि उनको वहां पे खाना भी नहीं मिल रहा है थ्रू मिड डे मील स्कीम यानी कि देयर हेल्थ इज ऑलरेडी गेटिंग अफेक्टेड सो कॉग्निटिव हेल्थ फिजिकल हेल्थ बोथ आर गेटिंग अफेक्टेड सो इट इज बेटर टू ओपन क्लासेस बट अगेन वेरी वेरी केयरफुली सबसे पहले तो अगर यहां पर हम लोग ऑनलाइन मोड पर क्लासेस करेंगे तो अच्छा रहेगा लेकिन डिजिटल डिवाइड है और दूसरी चीज ऑनलाइन के साथ ये होती है कि इन दी अर्ली स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट दे डू नीड सोशल इंट्रैक्शन राइट क्योंकि अगर इतनी जल्दी इतनी छोटी उम्र में अगर वो लोग डिजिटल एजुकेशन में लग जाएंगे इट कैन हैम्पर देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो कंटिन्यूस असेसमेंट होनी चाहिए कोविड नाइनटीन पॉजिटिविटी केसेस की और आपके जिले में अगर जिस जिले में आप डीएम हो तो अगर वहां पर समझ लीजिए पॉजिटिविटी रेट इज लेस देन टू परसेंट और लेस देन फाइव परसेंट मे बी यू कैन स्टार्ट क्लासेस विद द सेम रूल 15 डे मॉर्निंग आफ्टरनून रूल जहां पे केवल 50 परसेंट स्टूडेंट आएंगे एक क्लास में तो इस तरह का कुछ पैटर्न फॉलो किया जा सकता है अगेन फॉर प्राइमरी मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल और इफ वी आर नॉट एबल टू हैंडल ऑर इफ वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट दिन क्लासेस सबसे जरूरी चीज़ है कि हमें डिजिटल डिवाइड को कम करने की जरूरत है अब डिजिटल डिवाइड कैसे कम करेंगे वाईफाई फैसिलिटी चाहिए देखिए इंटरनेट फैसिलिटी हैज़ टू रीच टू रूरल एरियाज जहां पर नहीं है तो वहां पर हम लोग पहुंचा सकते हैं किस तरह पहुंचा सकते हैं अगर हम लोग हर घर में इंटरनेट नहीं दे पा रहे तो हम लोग एक कम्युनिटी लर्निंग सेंटर बनाएंगे यानी कि जो स्कूल है उस स्कूल में वाईफाई फैसिलिटी दीजिएगा एंड फ्री वाईफाई फैसिलिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ताकि वो स्कूल में बैठे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपनी क्लासेस ऑनलाइन ले वहां पर इन प्ले ग्राउंड लर्न स्पेशल बजट लाने की जरूरत है जिले में ताकि बच्चों को नोटपैड नोटपैड या फिर लैपटॉप मिले जिससे कि वो लोग पढ़ाई कर सके सो देट दे के कोर्सेज so ऑनलाइन और फाइनली हमें डिजिटल डिवाइड कम करने के लिए टीवी रेडियो का भी इस्तेमाल कर सकते क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट हम लोग ला सकते हैं

इन दो सालों का परिणाम आगे चल के पता चलेगा ऑन एंटायर डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया ऑन एजुकेशन सेक्टर शुरुआती पे बताया था एक छोटा सा होगा जहां पे हम लोग सजेस्टिव डिस्कशन करेंगे तो आप मुझे अपने सजेशन बताइए लेट मी नो वॉट एल्स कैन बी डन मैंने आपको बताया था कि आप अपने जिले के डीएम हैं, तो आप मुझे अपने स्टेप्स बताइए वॉट विल यू डू हाउ कैन यू रीओपन द स्कूल स्लोली एंड स्टडीली कीपिंग safety and health into consideration of all the people of the children of the parents of the entire community that is it right now from my side on this part of discussion thank you for watching jai Hind.